पर्वों की लंबी श्रृंखला है। कई पर्व किसी स्थान से संबंधित हैं, किसी समय से संबंधित हैं, किसी घटना से संबंधित हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित हैं, लेकिन पर्युषण पर्व उन पर्वों की श्रृंखला में एक विशिष्टतम ऐसा पर्व है जो और किसी से नहीं अपने स्वयं से जुड़ा हुआ है। और एक दिन, दो दिन, चार दिन, सात दिन पर्व और आठवें दिन उस पर्व की पूर्णाहुति के रूप में संवत्सरी पर्व हम कहते हैं अष्टांगिक पर्व, क्योंकि सात दिन तैयारी के होते हैं और आठवां दिन उसके परिणाम का होता है। उस परिणाम में हम क्या करते हैं? दूषण है सभी जगह, सभी जगह प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, बाहर है और उससे भी कहीं अधिक मन में भी है, जीवन में है, अंतरंग उन छुपे हुए कोने के भीतर में समाया हुआ है और हमें पता भी नहीं चलता। आज वह दिन है जिस दिन हम अपने उन अंतरंग तह पे तह पर जमे हुए, जुड़े हुए जो विकार है, उन विकारों को दूर करने का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व की आराधना हमारे व्यक्तिगत जीवन को के परिष्कार की है, संस्कार की है, सजाने की है, संवारने की है। और एक तरह से ऐसा ये पर्व जो विश्व शांति का संदेश है, आइए इस महापर्व पर्युषण को हम अतिशय मंगलमय भाव से मनाएं। आप सबके लिए बहुत बहुत अंतकरण पूर्वक शुभकामना, सद्भावना और आशीर्वाद। मिच्छामि।